दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप तीन तरह के पौधे देख पा रहे हैं। बाईं साइड से अगर शुरू करें तो सबसे पहले है जिसे कहते हैं स्नेक प्लांट, बीच में है नागदोन और दाहिने साइड पर दोस्तों सर्पगंधा। ये तीन तरह के ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसे घर में लगा रखा है तो आपके घर में सांप बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों, ये तीनों पौधे बहुत ही औषधीय महत्व के हैं। सांप आए या ना आए, लेकिन इन तीनों पौधों के बहुत ही औषधीय गुण हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बरसात के मौसम में सांप जो है घरों में आ जाते हैं। अगर आपका घर खेतों में है, ग्रामीण इलाके में है, या कभी कभी शहरों में भी जो है आपको देखेंगे कि मेंढक या चूहे पकड़ने के लिए सांप घरों तक घुस आते हैं। ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या बचता है, हर व्यक्ति सांप से डरता है क्योंकि सांप जहरीला होता है और फिर वो जो है सांप पकड़ने वाली टीम को ही बुलाता है, अदरवाइज सांप उसे बहुत घर में बहुत परेशान करता है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीन तरह के जो पौधे हैं, अगर आपने इन्हें अपने घर पर लगा रखा है तो सांप जो है आपके घर में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सांप को इन पौधों की जो सुगंध है वो पसंद नहीं है। तो दोस्तों, हकीकत क्या है, कौन सा इसमें से असली जो है सर्पगंधा पौधा है जिसे हम जो है सांप जिसको जो है सूंघ करके दूर भागता है, क्या तीनों ही पौधों को सूंघ करके दूर भागता है या इनमें से कोई एक पौधा है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सांप का परछाई भी नज़र नहीं आएगा, सांप काटने का तो छोड़ दो, क्योंकि ये तीनों ही जादुई पौधे हैं। दोस्तों, ये जादुई पौधे इसलिए हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है। तो आइए हम तीनों ही पौधों के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि इन पौधों का क्या जो है विशेष महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको अपनी टेरेस गार्डन दिखाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से औषधीय पौधे गमलों में लगा रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने छत पर और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी टेरेस गार्डन, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कौन कौन से यहाँ पर पौधे लगाए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाएं साइड में ये है मंदार का पौधा। मंदार जो कि बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है। और उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए ये है सदाबहार। सदाबहार का पौधा जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और विभिन्न प्रकार के रोगों में ये काम आता है। फिर दोस्तों, एक दूसरा यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, ये है मंदार का पौधा, इसे भी आप देख लीजिए। और जो सबसे अहम चीज़ है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम आपको वीडियो में बता रखे हैं, ये है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये है नागदोन। नागदोन का ये जो पौधा है ना दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, स्पेशली बवासीर के लिए, किडनी स्टोन के लिए, कैंसर के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये नागदोन का पौधा बहुत ही फायदेमंद है। आप देख पा रहे हैं इसकी पत्तियाँ, अच्छे से देख लीजिए ये कितना शानदार ये पौधा है। इसकी पत्तियों को आप रोज आसानी से खा सकते हैं, बस इसकी पत्तियों को तोड़िए। ऐसे जब तोड़ेंगे ना तो ये देखिए इसमें सफ़ेद रंग का दूध निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसकी पत्तियों को ऐसे तोड़िए और तोड़ करके जो है बस भूल लीजिए, और दो पत्तियाँ सुबह सुबह इसको चबा जाइए, आपकी बवासीर बिल्कुल सही हो जाएगी। और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जिसमें ये फायदेमंद है, मैंने वीडियो में इसके बारे में बता रखा है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लगा रखा है, कितना बढ़िया शानदार ये पौधा आपको दिख रहा है, ये गमले में हमने लगाया है, तो आप भी इसे घर में अपने गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बारिश के साथ शहर में जहरीले सांपों के निकलने और सर्पदंश के मामले बढ़ गए हैं। लोगों के पास सर्प विशेषज्ञ को बुलाकर सांप को पकड़वाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। समस्या यहाँ और बढ़ जाती है जब कहीं और व्यस्तता की वजह से निजी सर्प विशेषज्ञ व वन विभाग की रेस्क्यू टीम समय पर लोगों के घर नहीं पहुँच पाती। ऐसे में लोगों को कोई उपाय नहीं सूझता और वह दहशत के साए में समय गुजारते हैं। जानकारों के अनुसार आयुर्वेद में ऐसे पौधे का जिक्र है जिसकी गंध से ही सांप दूर भाग जाते हैं। विशेष गुण के कारण इसे सर्पगंधा के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, है तो इन तीनों पौधों के बारे में ऐसी मान्यता कि सांप जो है इनसे भाग जाता है, लेकिन जो सबसे दाहिने साइड में है जिसका नाम है सर्पगंधा, वो असली सर्पगंधा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको भी इसके प्रभाव से अवगत कराते हैं। दोस्तों, चरक संहिता में वर्णन है इस सर्पगंधा का। आयुर्वेदाचार्य पंडित अरुण शुक्ल के अनुसार सर्पगंधा की अनूठी प्राकृतिक औषधि है। इसके पौधे का विशद वर्णन मिलता है महर्षि चरक ने 1000 से 800 ईसा पूर्व सर्पगंधा का जिक्र सर्पदंश तथा कीटदंश के उपचार हेतु लाभप्रद विषनाशक औषधि के रूप में किया है। सर्पगंधा से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। यह सर्प के काटने पर दवा के नाम पर प्रयोग में आता है। सर्प काटने के अलावा इसे बिच्छू काटने के स्थान पर भी लगाने से राहत मिलती है।
तो दोस्तों क्यों ना हम इन पौधों को अपने घर में गमले में लगाएं, जैसा कि दोस्तों मैंने लगा रखा है। अजब है इसकी गंध। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर ए के पांडे बताते हैं कि वनों की कटाई और अंधाधुंध उपयोग के चलते सर्पगंधा के पौधों की संख्या घटी है, लेकिन मंडला, डिंडौरी, कुंडुम आदि के जंगलों में यह अभी मौजूद है। इसी गांव में घवल, बरुआ, चंद्रभागा, छोटा चांद आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम सबुल्फिया सर्पेंटिना है। इस पौधे में अद्भुत शक्ति होती है और इसकी गंध इतनी अजब होती है कि सांप इसे सूंघते ही दूर से भाग जाते हैं। आपने देखा दोस्तों कि हमने अपने गमले में लगा रखा है, नागदोन हमने लगाया हुआ है, हमने लगा रखा है, सदाबहार लगा रखा है, और हमने मदार के पौधे लगा रखे हैं, हमने बहुत सारे औषधीय पौधे घर में लगा रखे हैं। तो आप भी दोस्तों इन पौधों को गमले में ज़रूर लगाइए और आप अपने घर में सांप जो है घुसने से अपने आप को बचाइए। गमले में लग सकता है पौधा। SFRI की नर्सरी में कार्यरत मुकेश चौबे बताते हैं कि सर्पगंधा का पौधा आकार में काफ़ी छोटा होता है, इसमें बारिश के मौसम में सिंदूरी कलर के पुष्प आते हैं। तुलसी के पौधे की तरह इसे भी आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जहरीले जीव जंतु सर्पगंधा की गंध से दूर भागते हैं। जिस घर के अहाते में सर्पगंधा का पौधा लगा हो वहाँ विषैले जीव जंतु प्रवेश नहीं करते। ये पौधा विषैले जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसके प्रभाव से बिच्छू आदि भी दूर भागते हैं। जहरीले जंतुओं के काटने पर इस पौधे के पत्तों व जड़ों को औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। सर्पगंधा में कई अन्य दवाएं भी बनती हैं। यह पौधा बेहद दुर्लभ है, संरक्षण के अभाव में अब इसकी संख्या कम हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं सर्पगंधा का पौधा मिल जाए तो आप उसे जरूर लाइए। जैसा कि हमने वीडियो के थंबनेल में दिखा रखा है, दाहिनी साइड पर दोस्तों सर्पगंधा आपको दिख रहा है जो जिसका फूल खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर भी ये दिखने में लगता है। कई ऐसी औषधियां हैं जो सेहत के लिए लाभकारी हैं। ऐसा ही एक पौधा है दोस्तों नागदोन, जो कि अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया। हमने अपने घर में नागदोन का पौधा लगा रखा है। जो बवासीर का काल होता है दोस्तों, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप नागदोन की पत्तियों को काली मिर्च के साथ पीस करके उसका जो है एक चम्मच रस सुबह शाम जो है आप सेवन कीजिए। नागदोन को बिस्मार, नागदमन व नागदमनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां डंडी और जड़ को कई समस्याओं जैसे बवासीर, कब्ज, मासिक धर्म के दर्द, सूजन, कैंसर और फोड़ी फुंसियों से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डायबिटीज़ और किडनी रोग से जूझ रहे लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे नुकसान हो सकता है। कई ऐसी औषधियां हैं जो सेहत के लाभकारी हैं। ऐसा ही एक पौधा है नागदोन। दोस्तों नागदोन को बिस्मार, नागदमन व नागदमनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां डंडी और जड़ को कई समस्याओं जैसे बवासीर, कब्ज, मासिक धर्म के दर्द, सूजन, कैंसर और फोड़ी फुंसियों से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डायबिटीज़ और किडनी रोग से जूझ रहे लोगों और गर्भवती महिलाओं को इससे नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों नागदोन के फायदे क्या हैं? नागदोन को आयुर्वेद में इसके फायदों की वजह से जाना जाता है। ये बवासीर, कब्ज, मासिक धर्म की समस्या और कैंसर आदि में फायदेमंद है। नागदोन इन समस्याओं में कैसे लाभ पहुंचाता है, आइए हम इस बारे में विस्तार से जानें। बवासीर के लिए कब्ज से राहत, मासिक धर्म की समस्या, सूजन कम करें, कैंसर से बचाए, फोड़ी फुंसियों को करें कम। बवासीर के लिए जिन्हें बवासीर की समस्या है वह नागदोन का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में नागदोन के 2-3 पत्तों को सुबह खाली पेट चबाना चाहिए। दरअसल इसमें कुछ खास औषधीय गुण होते हैं जो बवासीर के कारण होने वाले रक्त के बहाव को कम करने और उससे होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में यह प्रचार है कि नागदोन के पौधे को सर्पगंधा कहते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नागदोन के पौधे को सर्पगंधा नहीं कहते हैं, सर्पगंधा अलग ही पौधा होता है। नागदोन जो है वो एक औषधीय पौधा है। लोग कहते हैं नागदोन जहरीला होता है, दोस्तों बिल्कुल जहरीला नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद भी सेवन किया है। इसकी पत्तियों का सेवन मैंने खुद किया है। और जो है आप अगर डायरेक्ट पत्तियां नहीं खाना चाहते हैं तो 2-3 काली मिर्च में इसकी 2 पत्तियों को पीस करके उसका रस निकाल लीजिए और सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। इससे आपकी जो ब्लीडिंग की समस्या है, बवासीर की समस्या है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कब्ज से राहत दिलाता है। जो लोग कब्ज से ग्रसित हैं उनके लिए नागदोन रामबाण इलाज साबित हो सकता है। नागदोन के चूर्ण या इसके रस को चुटकी भर काली मिर्च में मिलाकर सेवन करने से कब्ज में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो नागदोन में फाइबर पाए जाते हैं जो मल को मुलायम कर कब्ज के दौरान मल त्यागने में हो रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि बवासीर का एक कारण कब्ज ही होता है, तो कब्ज अगर आपका सही है तो आपको बवासीर नहीं होगा। मासिक धर्म की समस्या। मासिक धर्म का समय महिलाओं के लिए तकलीफ भरा होता है। कुछ महिलाओं को इस समय तेज दर्द से गुजरना पड़ता है। इस समय नागदोन की पत्तों को चबाने या इसके पत्ते के रस को पीने से राहत मिल सकती है। दरअसल नागदोन एनाल्जेसिक गुण से समृद्ध होता है।
एनाल्जेसिक गुण को मुख्य रूप से दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है, लिहाजा मासिक धर्म में इसका इस्तेमाल कर इस समय होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने दिखाया, नागदौन जो है एक दूध वाला पौधा होता है, इसमें दूध निकलता है, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आप अपने मन से भ्रम को हटा दीजिए। इसे सर्पगंधा नहीं कहते हैं, सर्पगंधा अलग चीज़ है जो मैंने आपको दिखाया है, और एक स्नेक प्लांट भी होता है, वो भी बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको भी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन नागदौन जो है, भले ही इसका नाम नागदौन है, लेकिन यह बहुत ही गुणकारी है, सूजन कम करे। अगर किसी के शरीर में सूजन हो गई है तो सूजन को कम करने के लिए भी नागदौन का उपयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित एक रिसर्च पेपर में दिया गया है कि नागदौन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये गुण सूजन को कम कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया से संबंधित सूजन से भी राहत दिला सकता है। ऐसे में सूजन की समस्या से पीड़ित मरीज इसके चूर्ण या रस का सेवन कर सकते हैं, साथ ही इसके पत्ते को पीस कर भी सूजन वाली जगह पर लगाया जा सकता है। कैंसर से बचाए। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे हर कोई बचकर रहना चाहता है, इससे बचाव करने में नागदौन सहायक साबित हो सकता है। इस संबंध में प्रकाशित वैज्ञानिक शोध की माने तो नागदौन में एंटी कैंसर गुण होते हैं, ये गुण कैंसर सेल्स के विकास को धीमा करने का काम कर सकते हैं, इससे कैंसर के जोखिम को पनपने से रोका जा सकता है। हालांकि नागदौन कैंसर का कोई सटीक इलाज नहीं है, ऐसे में कैंसर का इलाज करने के लिए डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इलाज का ही सहारा लें। फोड़ी फुंसियों को करें कम। नागदौन के फायदे फोड़ी फुंसियों को दूर करने के लिए भी देखे जा सकते हैं। इससे जुड़ी एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार नागदौन में एंटी माइक्रोबियल और बूंड हीलिंग गुण होते हैं। एंटी माइक्रोबियल फोड़े को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया से राहत दिला सकता है, और वुंड हीलिंग उसे हुए घाव को भरने में मदद कर सकता है। ऐसे में जिन्हें भी यह समस्या है, वह नागदौन के पत्तों को गुनगुने पानी में भिगोकर फोड़े वाली जगह पर बांध सकते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा पौधा है जिसका नाम है जो है स्नेक प्लांट, इसका नाम ही है स्नेक प्लांट क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है कि लगता है कि कोई स्नेक है और अपने फन को फैलाया हुआ है। देख पा रहे हैं दोस्तों आप इमेज में, तो स्नेक प्लांट क्या है आपको इसके बारे में भी बताते हैं ताकि आपकी भ्रांतियां मिट सकें। स्नेक एक सामान्य हाउस प्लांट है जिसे संसेबिया ट्रिफिसियाटा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका का पौधा है। इसे हमेशा हरे दिखने वाले तलवार के आकार के पत्तों के लिए पहचाना जाता है। इसके पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और तलवार की तरह नजर आते हैं। यह देखने में आर्टिफिशियल प्लांट की तरह नजर आता है। स्नेक प्लांट का इस्तेमाल अक्सर घर की सजावट के रूप में किया जाता है क्योंकि वो देखने में अत्यंत लुभावना लगता है। इसे बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस पौधे की पत्तियां थोड़ी जहरीली भी होती हैं, इसलिए इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। स्नेक प्लांट के क्या लाभ हैं? रात में भी हवा को फिल्टर करें। कई अन्य घरेलू उत्पाद की तरह स्नेक प्लांट घर के अंदर की वायु यानी कि इंडोर एयर को फिल्टर करने में मदद करता है। इस खूबसूरत दिखने वाले पौधे की विशेष संयंत्र के बारे में अनोखी बात यह है कि उन कुछ पौधों में से एक है जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। यह गुण इसे बेडरूम की सजावट के लिए एक आदर्श पौधा बनाता है क्योंकि यह स्वस्थ वायु प्रवाह को विनियमित करने में मदद कर सकता है। जहरीले प्रदूषकों को हटाता है। स्नेक प्लांट को विषाक्त वायु प्रदूषकों को हटाने में मदद करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि छोटे योगदान में स्नेक प्लांट CO2, बेंजीन, फार्मल्डिहाइड, जाइलिन और टोल्यूइन सहित कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों को अवशोषित कर सकते हैं। हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और निकालने की क्षमता के साथ अनेक प्लांट एयर एलर्जी के खिलाफ एक प्रभावी बचाव के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, गमले में आप स्नेक प्लांट जरूर लगाएं। कैसे करें स्नेक प्लांट की देखभाल? स्नेक प्लांट को रखरखाव में बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है, यही वजह है कि लोग इसे आसानी से घर में लगाते हैं। स्नेक प्लांट एक लचीला कठोर पौधा होता है और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपेक्षाकृत शुष्क वातावरण में जीवित रह सकता है। यदि आप अपने घर में स्नेक प्लांट लगाने की योजना बनाते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला ये कि ज़्यादा पानी है नुकसानदेह। बहुत ज़्यादा पानी इस पौधे को खराब कर सकता है। इस प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए इसे एक अच्छी तरह से सूखे हुए पॉट में लगाएं। ज़्यादा पानी इसकी जड़ों के सड़ने का कारण बन सकता है, इसलिए स्नेक प्लांट में तभी पानी डालें जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूखी हो। अप्रत्यक्ष धूप है अच्छी। स्नेक प्लांट के लिए इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष धूप सबसे अच्छी होती है। यह प्लांट किसी कम धूप वाली जगह पर बढ़ सकता है। स्नेक प्लांट घर के अंदर और बाहर कहीं भी विकसित हो सकता है। इसमें खास रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं गुणों की वजह से स्नेक प्लांट को इंडोर एयर को फिल्टर करने और लिविंग रूम या बेडरूम की शोभा बढ़ाने के लिए घर में लगाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने ही अच्छे अच्छे पौधे हैं आपके पास जिन्हें आप लगा सकते हैं और आप अपने एक गार्डन उगा सकते हैं, पौधों को अपना मित्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्नेक प्लांट भी लगाइए, सर्पगंधा भी लगाइए और नागदौन भी लगाइए। लेकिन आप ये भ्रम छोड़ दीजिए कि नागदौन जो है वो जहरीला होता है।
वो जब हम डायरेक्ट उसकी पत्तियों को खा सकते हैं और कोई भी असर नहीं करता है तो वो जहरीला नहीं हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल मैंने खुद अपने ऊपर कर रखा है, मैंने खुद खाया है इसकी पत्तियों को। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है आप दवाइयों के रूप में इनका प्रयोग कीजिए। और सर्पगंधा को इसलिए लगाइए कि सांप आपके घर में कोई जहरीला जो है कीड़ा बिच्छू सांप ये सब चीज़ें आपके घर में ना आए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।